हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज जिस एक्टर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उनके जैसे चरित्र अभिनेता तो हिंदी सिनेमा में गिनती के ही हुए हैं। उनके फिल्मों में आने से लेकर उनकी दर्द भरी मौत के बारे में भी बताते हैं। आपको शोले फिल्म का नौकर रामलाल याद है? अरे डॉन का पुलिस इंस्पेक्टर वर्मा तो याद ही होगा। इन किरदारों को अमर बनाने वाले अभिनेता सत्येन कप्पू थे। सत्येन कप्पू के बारे में दो बातें गलत बताई जाती हैं। एक तो उनका जन्म स्थान और दूसरा उनका नाम। अभिनेता का जन्म स्थान पानीपत बताया जाता है, जबकि वो बंबई में 6 फरवरी 1931 को पैदा हुए थे। दूसरी गलत बात जो उनके नाम को लेकर है, कुछ लोग कहते हैं कि उनका असली नाम सत्येंद्र कपूर था, जबकि ये गलत है। उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था और असली नाम सत्येंद्र शर्मा था। सत्येंद्र शर्मा के सत्येन कपूर बनने की कहानी भी बड़ी रोचक है। असल में उनको बचपन में घर में सब प्यार से कप्पू कप्पू कहकर पुकारा करते थे। इसी वजह से उन्होंने बाद में अपना फिल्मी नाम सत्येंद्र शर्मा की जगह सत्येन कप्पू ही रख लिया था। उनके पिता का नाम बुद्धसेन शर्मा था। वो बंबई में बड़ी आइसक्रीम फैक्ट्री डिलाइट कुल्फी के मालिक हुआ करते थे। पिता चाहते थे कि उनके दोनों बेटे राधेश्याम और सत्येंद्र बड़े होकर उनकी आइसक्रीम फैक्ट्री संभालें, मगर बचपन में ही माँ बाप की मौत हो गई और दोनों भाई अनाथ हो गए। रिश्तेदारों ने दोनों को पालने से हाथ खड़े कर दिए और भाइयों को गुरुकुल छोड़ आए। यही पढ़ लिख कर दोनों भाई बड़े हुए। सत्येन कप्पू के दिल में तो शुरू से ही सिनेमा बसा था। खासकर हीरो नहीं, चरित्र अभिनेता बनना ही उनका सपना था, क्योंकि कैरेक्टर एक्टर के हिस्से में अलग अलग रोल होते थे। इसी वजह से जब वो 16-17 साल के हुए, तब गुरुकुल छोड़कर बंबई में थिएटर ज्वाइन कर लिया। यहां उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखी। वो अशोक कुमार को बहुत पसंद करते थे, इसी वजह से उनकी तरह एक्टिंग करना चाहते थे। एक बार की बात है, मशहूर डायरेक्टर विमल रॉय ने उनको एक्टिंग करते देख लिया। वो उनके अभिनय से काफी मुतासिर हो गए। विमल ने उनको 1961 में आई फिल्म काबुलीवाला में ब्रेक दे दिया। पहली ही फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग करके सत्येन ने अपनी पहचान बना ली। इसके बाद तो उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में अलग अलग किरदार बखूबी निभाए। खिलौना में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कटी पतंग में डॉक्टर काशीनाथ, रखवाला, बलिदान, जंजीर और डॉन में पुलिस अफसर से लेकर खोटे सिक्के में जज बने नजर आए। मजबूर पिता, अंकल, इंस्पेक्टर और डॉक्टर के रोल तो जैसे उनके लिए ही बने थे। 70 और 80 के दशक में वो सबके दिलों में राज किया करते थे। चमेली की शादी में उनका भजन दास का रोल तो लोग आज भी भूल नहीं सके हैं। निजी जिंदगी की बात करें तो सत्येन कप्पू की अरेंज मैरिज हुई थी कैलाशवती नाम की लड़की से 8 दिसंबर 1951 को। दोनों के 4 बेटियां हुई, उमा, विनीता, दीप्ति और तृप्ति। इनमें तृप्ति मशहूर राइटर हैं, जो टेलीविजन के लिए डायलॉग्स लिखती हैं। अब सत्येन कप्पू के दर्द भरे अंत की जानकारी देते हैं। महान चरित्र अभिनेता को कम उम्र में ही हाई डायबिटीज की गंभीर बीमारी ने घेर लिया था। इस बीमारी की वजह से वो आखिरी दिनों में बहुत कष्ट में जी रहे थे। हाई शुगर की वजह से खाना पीना तक मुश्किल हो गया था। फिर उनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी ने भी घेर लिया। दोनों बीमारियों के साथ सत्येन कप्पू कई साल तक बहुत परेशानी में जीते रहे। दवाइयों के सहारे जी रहे अभिनेता को इन बीमारियों ने दिल की गंभीर बीमारी भी दे दी। 27 अक्टूबर 2007 के दिन शाम को वो घर पर ही थे। करीब 4:30 बजे उनको अचानक सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा। अभिनेता को बहुत बड़ा दिल का दौरा पड़ा था। घर वालों ने फौरन एम्बुलेंस बुलवाई और उनको अस्पताल लेकर जाने लगे। इसी दौरान उनको एक और हार्ट अटैक आ गया और अस्पताल में जब डॉक्टरों ने चेक किया तो उनकी मौत हो चुकी थी। दोस्तों, आपको सत्येन कप्पू का कौन सा किरदार या फिल्म याद है?
आप चाहें तो हमको कमेंट में बता सकते हैं। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।